दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में सी कोड कैप्सूल के बारे में, फिश ऑयल के बारे में, फिश ऑयल कैप्सूल के बारे में। भाई क्या है, कौन सी प्रॉब्लम में चलाया जाता है, काम किस तरह से करता है, कौन कौन सी इसके बेनिफिट है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस पर सावधानी क्या रखनी पड़ती है, सब कुछ जानेंगे। सो देखिएगा, देखिए सी कोड कैप्सूल एक ब्रांड नेम है यूनिवर्सल न्यूट्री साइंस कंपनी का, इसको बनाती है, मार्केट में लाती है, हर फार्मास्यूटिकल हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इसके सारे बहुत सारा अल्टरनेटिव ब्रांड भी आता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्राइस पे अलग अलग साइज में लाती है, तो हर केमिस्ट स्टोर पर हर दवाई दुकान पर डॉक्टर की पर्ची से मिलती है, और हमेशा इसका यूज भी डॉक्टर की देखरेख में कीजिएगा, सेल्फ यूज नहीं करना है। प्राइस के बारे में बात करें तो 350 रुपए का एक छोटा जार आता है, इसके अंदर 110 कैप्सूल डाले जाते हैं, जो कि एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल होते हैं जिसका हल्का पीला रंग होता है और कोई स्मेल नहीं होती, तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट कैप्सूल आते हैं एक छोटे जार में। अब बात करते हैं इसके अंदर आने वाले इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों इसके अंदर आता है फिश ऑयल यानी कोड लीवर ऑयल 300 मिलीग्राम पर कैप्सूल, 300 मिलीग्राम में फिश ऑयल डाला गया। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है ये फिश ऑयल क्या होता है और क्या एक्चुअली में ये फिश का ऑयल होता है या इसका नाम ही फिश ऑयल है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये मछली से निकलने वाला एक ऑयल होता है जिसको हम फिश ऑयल कहते हैं, इसका दूसरा नाम कोड लीवर ऑयल भी होता है, यानी मछली का तेल। ये मछली से निकाला जाता है, प्रोसेसिंग करके, सुखाने के बाद, ड्राइंग करने के बाद और प्रेसिंग करने के बाद एक प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा, उससे ये तेल मछली के द्वारा निकाला जाता है, जो फिर बाद में कैप्सूल फॉर्म में जार के अंदर अलग अलग कंपनी में फार्मास्यूटिकल दुकानों पर या अन्य दुकानों पर मिलता है। ये हर किसी मछली में नहीं पाया जाता, कुछ गिनी चुनी मछली होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, जैसे कि हेरिंग मछली, हेरिंग मछली में बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑयल पाया जाता है, सेलमन मछली में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे ही दोस्तों माइलेट में भी और ट्यूना में भी बहुत ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। ये कुछ गिनी चुनी मछली होती है जिसको प्रोसेसिंग करके ये फिश ऑयल एक कैप्सूल में बदला जाता है। बात करें फिश ऑयल के अंदर क्या इंग्रेडिएंट आता है उसके बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज्यादा आता है ओमेगा 3 इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम में लाभदायक होता है। ओमेगा 3 के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलता है, साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर ईपीए और डीएचए एसिड भी बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बात करते हैं भाई कौन सी प्रॉब्लम में काम आते हैं, कौन सी प्रॉब्लम में डॉक्टर दिया करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक की। दोस्तों अगर सी कोड कैप्सूल अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसके चांस कम होते हैं स्ट्रोक आने के, हार्ट अटैक आने के। अगर हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वहां पर भी अच्छा काम करता है। किडनी की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, आंखें वीक है, उसमें भी दिया जाता है। गठिया बाव है, गठिया दर्द है, सूजन है, कहीं पर इन्फ्लामेशन है, तो वहां पर भी अच्छा काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों स्किन कैंसर के लिए, स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, प्रेगनेंसी में लिए, स्ट्रेच मार के लिए और स्किन को स्ट्रेच करने के लिए भी इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर्स इसका यूज करते हैं स्किन पे लगाने के लिए या फिर इंटरनली कैप्सूल खाने के लिए। और भी दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम में फिश ऑयल काम आता है, इसको बहुत ज्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें भाई डोज के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर आता है 300 मिलीग्राम फिश ऑयल। 300 मिलीग्राम व्यक्ति अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो सुबह शाम दिन में 2 बार ले सकता है खाने के बाद, मैक्सिमम इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, हमेशा डॉक्टर की देखरेख में लेना चाहिए क्योंकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई साइड इफेक्ट वगैरह हो जाए या ज़्यादा कंज्यूम कर ले व्यक्ति तो नाक के अंदर से खून आ सकते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है नाक से अंदर, या ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं ज़्यादा, हो सकता है कि वोमिटिंग वगैरह भी हो जाए, हो सकता है कब्ज रहने लगे, कॉन्स्टिपेशन हो, और भी कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है व्यक्ति या बिना डॉक्टर की देखरेख में लेता है तो नुकसान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था संपूर्ण रिव्यू सी कोड ऑयल या कैप्सूल के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन सी मेडिसिन भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं।